नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी पुलिस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो आपका री एग्जाम होना है उस पर एकदम सरकार ने जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी झटके के बाद योगी जी का जो एक्शन देखने को मिला है कि भाई जो हमें झटका लगा है वो लगा किस तरह से है, बच्चों के वजह से लगा है। तो बच्चों के भविष्य को लेकर ये कहीं ना कहीं अब एक्शन में है और उन्होंने सभी आपके अगर बात करें डिपार्टमेंट के सचिवों को बुलाया, उसके बाद से मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अलग से कहीं ना कहीं प्रेशर है और उसके बाद से जो ये एग्जाम कैंसिल हुआ था और बोला भी गया था योगी की जी के द्वारा कि ये 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। तो अभी जो ये खबर निकल के आ रही है कि जुलाई के अंत तक आपके एग्जाम या जुलाई के मिड तक आपके एग्जाम डेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए जी न्यूज की खबर है, एक बार आप खुद सुन लीजिए, आप लोगों को यह सुनाई देगा, इसके वॉइस थोड़ा सा मैच। हाँ, आप देखिए यहां पर साफ साफ बोला यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किया गया है, परीक्षा के लिए कंपनी का चयन जल्द होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो खबर आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ चेंजेस हुए हैं प्लस आपके एजेंसी का चयन होना है, एक और बड़ी बात यहां से निकल के आ रही है कि परीक्षा के लिए कंपनी का चयन जल्द, मतलब इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और चयन जल्द ही करके आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आखिर एग्जाम आपका कब होगा। तो ये चांसेस हैं कि जुलाई में, क्योंकि एक पेपर कटिंग आपका वायरल हुआ था, आप ध्यान देखिएगा इस न्यूज के बाद, ये न्यूज आपको टेलीग्राम ग्रुप में, परीक्षा प्लस के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां आपको पूरा डिटेल ये मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि वो पेपर कटिंग की, तो पेपर कटिंग में साफ साफ बोला गया था कि देखिए यहां पे कि जुलाई में क्या बोला, जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती की परीक्षा तिथि, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 43 लाख युवाओं एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों को जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। मालूम हो कि इस वर्ष कि 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करते हुए आने वाले 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा। ऐसे में अब बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की सोच रहा है। तो जैसा बोला गया है कि आपके जो तिथि है वो जुलाई के मिड तक आपकी आ जाएगी कि एग्जाम आपका कब होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सब कुछ डिपेंड है यूपी कांस्टेबल पे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम होने के बाद ही आपके कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में अभी एग्जाम होना है, यूपी एसआई एएसआई का और यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो इनका भी सब कुछ डिपेंड करता है, किस पर आपका डिपेंड करता है, कांस्टेबल पर। अगर कांस्टेबल का एग्जाम जुलाई में जाता है, जुलाई लास्ट तक जाता है, ठीक है, चाहे जुलाई मिड तक जाता है, तो मान के चलिए 1 मंथ बाद जुलाई के बाद आपका अगस्त के आसपास ये जाएगा और सितंबर तक आपके कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होगा। तो अगर ये जो खबर आ रही है ये पूरी तरह सत्य है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग कमर कस ले जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है इस समय ये बच्चों के हित पर कार्य करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनको लग गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है प्रदेश में और उनका इसका रिजल्ट भी पता चल गया है। जो लोकसभा चुनाव हुआ है उनको जो उम्मीद थी उससे उनको कम सीटें मिली, तो वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो हैं, छात्र जो हैं, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार से नाखुश हैं। इसलिए योगी जी ने तुरंत एक्शन स्टार्ट किया है।
हर एक डिपार्टमेंट में आप देख रहे होंगे नया नया नोटिस। अभी प्रधान सेवक जो हैं उनकी जो आपके परमानेंट नहीं टेम्पोरी जो जॉब होती है एक मानदेय पे जो होते हैं उनकी भी रिक्तियां इन्होंने पब्लिश कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी हैं टीम परीक्षा प्लस के द्वारा एक बेहतरीन क्रैश कोर्स लाया जाएगा और हम ऑलरेडी सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे और 11 बजे आपको कांस्टेबल के बेसिस पर मॉक टेस्ट करा रहे हैं। उससे बेहतरीन आपकी तैयारी नहीं हो सकती। पूरा का पूरा रीजनिंग का पेपर मैं कराता हूं 9 बजे, तो सुबह 9 AM पे आप रीजनिंग की क्लास देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ सुबह 8 बजे अगर हम बात करें तो आपकी हिंदी की क्लास चलती है और 11 AM पे बात किया जाए तो आपकी मैथ की क्लास चलती है और आपके 10 पर GS की क्लास चलती है। अगर आपने ये प्रैक्टिस क्लास अच्छे से देख लिया तो आपका एक भी नंबर, क्योंकि अब समय नहीं है, आपके पास जो पढ़ना था आपने पहले भी पढ़ रखा है, बस आपको नए तरीके से आपके पेपर के पैटर्न के तरीके से आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है ताकि आप एग्जाम आते आते एकदम उसमें धुरंधर हो जाओ और पेपर की ऐसी की तैसी कर दो, ठीक है। तो बाकी जो भी आपके अंदर डाउट है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। बाकी जैसे ही कोई और न्यूज मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कुछ मिलता है मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।